जाते हैं, बच्चे लोगों के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं, रैप करते हैं, पैक करते हैं, सारी चीज़ें रेडी रखते हैं। अब मैं एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज क्या? हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। आज का ये व्लॉग शुरू करने के पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। और एक बात, आज का ये व्लॉग शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को और YouTube को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा YouTube चैनल नहीं होता और आप लोग नहीं होते तो शायद जो मैं आज करने वाला हूँ वो कभी करता नहीं करता अपने बच्चों के लिए, आई एम नॉट श्योर। तो इस क्रिसमस को मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि मैं सेंटा क्लॉस बनूंगा, सेंटा क्लॉस का गेटअप लूंगा, दाढ़ी वाड़ी सब लगाऊंगा, काला सेंटा क्लॉस। और मेरे घर में चार बच्चे हैं, एक मेरी भतीजी 8 साल की, दूसरी मेरी भतीजी 3.5 साल की और तीसरी मेरी भतीजी 1.5 साल की, और एक मेरा बाबू किशु महाराज, बच्चू महाराज, वो है 2.5 साल का। तो इन लोगों को मैं सेंटा क्लॉस बनके गिफ्ट बांटूंगा। क्या गिफ्ट बांटूंगा क्या नहीं बांटूंगा कोई आइडिया नहीं है मुझे। वो लोग कैसे रिएक्ट करते, क्या लोग मुझे पहचान पाते नहीं पहचान पाते, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए मैं निकला हूँ अभी घर के बाहर, जो सेंटा क्लॉस का गेटअप होता है पूरा, ड्रेस दाढ़ी वाड़ी, वो खरीदने के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं रेंट पे लूंगा, एक दो यूज करूंगा, शूट वगैरह करूंगा और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा जो एरिया है घनसोली नवी मुंबई, वहां पर ये चीजें नहीं मिली, मैंने पूछी एक दो दुकान में, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ वाशी नवी मुंबई, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह, एक पूरा एरिया जहाँ पर वो सारी चीजें रेंट पे या खरीदने पर मिलती है। तो अभी जाते हैं वहीं पर, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, व्लॉग एकदम बन जाएगा, और नहीं मिलती है तो फिर आगे का व्लॉग कैसे होगा कोई आइडिया नहीं है बॉस। सो स्टे देयर, ये व्लॉग एकदम फाड़ू होने वाला है। तो अभी आ गया हूँ मैं वाशी सेक्टर 9, यहाँ पीछे ही मार्केट है। तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि ड्रेस मिलता है नहीं मिलता है, लेट्स सी। और यहाँ पर ये बच्चे जो पीछे से देख रहे हैं एंगल, ये देखिए, आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम प्रणव है। प्रणव छोटू, आपका? अंश गुप्ता। अंश गुप्ता बाबा, आपका? गौरव चौधरी। गौरव चौधरी, ये तो टेक्निकल गुरुजी है। मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। तो ऐसा पता चला कि दुकान यहाँ ऊपर ही है, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ मिलते हैं रेंट पर कपड़े। इसके बाद बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेने। सेंटा क्लॉस के कपड़े वगैरह मिलेंगे क्या? कल के लिए चाहिए एक्चुअली। आज लेके जाएंगे? हाँ, कल शाम को लाके दे दूंगा आपको मैं। फाइनली सारे आइटम मिल तो गए, टोटल 9 आइटम हो गए। अब देखते हैं क्या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो 750 रेंट है और 750 अलग से एडवांस में देना है, तो टोटल 1500 भी देने हैं। जब हम ड्रेस रिटर्न करेंगे तो 750 वापस मिलेंगे, बराबर ना? हाँ, बस यही है प्रोसीजर। तो अभी ये वन टाइम है तो करते हैं, कुछ अलग व्लॉग बनेगा, कुछ अलग एंजॉयमेंट होगी, बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे घर में। ट्राई किया जा रहा है अभी। तो ये सारी चीजें भाई अभी मिली है, ये स्टिक, बेल, झोला सेंटा क्लॉस जी का, ये कपड़े, टोपी, हमारे बच्चे लोग तो एकदम मजा आ जाएगा। अब वो डरते हैं हमसे या हमसे गिफ्ट ले लेते हैं, ये तो सच्ची में देखने वाली बात होगी। इट गोना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, और उन लोगों का रिएक्शन तो एकदम एपिक होने वाला है, मतलब वो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे जब मैं उन लोगों को गिफ्ट निकाल के दूंगा। अब देखते हैं गिफ्ट क्या लेते हैं, लेट्स सी। तो भाई, अगर कोई भी नवी मुंबई या आसपास रहता है और किसी को ऐसे मेकअप, नाटक वगैरह के सामान या ऐसा कुछ रिलेटेबल सामान चाहिए होगा, ड्रेस वगैरह, तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, सेक्टर 9 वाशी पूजा ड्रेस वाला, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे। अभी आगे हूँ मैं फिर अपनी गाड़ी के पास, और अभी प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ये सामान बहुत ज़्यादा है, तो इसको पहले मैं घर रखूँगा और फिर जाके बच्चों के लिए गिफ्ट कहाँ से लूँगा, डीमार्ट से लूँगा या कहीं ऐसे जो मार्केट है वहाँ से लूँगा, कोई आइडिया नहीं है। अभी देखते हैं घर पे सामान रखने के बाद, और सामान लेकर, गिफ्ट लेकर उन्हें पैक भी करना है कि जो है एकदम अच्छे से प्रेजेंट हो और मेरे बच्चे लोग एकदम अच्छे से खुश हो। देखते अभी आगे का प्लान क्या होता है यार, मतलब एक अलग लेवल का खुशी हो गया मेरे को अभी। ये जो ड्रेस देखा ना मैंने, ये ड्रेस देखने के बाद, इसको पहनने के बाद जो आउटपुट आया ना, आई एम कम्प्लीटली हैप्पी, और मेरे बच्चों का रिएक्शन तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो स्टे ट्यून, ओके, डोंट गो। तो फाइनली आ गया हूँ मैं घर पे, सारा सामान लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। फैमिली पूरी नीचे के रूम में बैठी है, बच्चे लोग भी देख रहे हैं कि क्या है क्या है क्या नहीं। तो अभी ये रखते हैं इधर और जाते हैं बच्चे लोगों के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं, रैप करते हैं, पैक करते हैं, सारी चीज़ें रेडी रखते हैं। अब मैं एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ, कन्फ्यूज़ क्या? आखिरकार हम आ गए बाहर, घर पे बच्चों को धोखा देकर, बेवकूफ़ बनाकर। अभी हमारे यहाँ पर कोपरखेना में डीमार्ट है, वहाँ पर जाएंगे, बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और ये कैमरा जो है ये बैग में रख दिया जाएगा, बैग के साथ डिक्की में घुसेड़ दिया जाएगा कि किस कैमरा के साथ रिस्क नहीं लेना है। अगर अंदर कुछ ब्लॉक करना होगा तो जिस कैमरा ने हमारा 1.5 साल तक साथ दिया, वीवो V11, उसे शूट करेंगे और उसे ब्लॉक करेंगे। सो लेट्स गो फॉर बेबे।
आखिरकार मैन, एट लास्ट एक घंटे की मेहनत के बाद बच्चों के सारे खिलौने खरीद लिए गए हैं और बहुत मजा आने वाला है कल। और जब बात बच्चों के खिलौने की होती है ना, उनके कपड़ों की होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है शॉप करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देता हूँ, एक डेढ़ घंटे, जब तक मुझे लगता नहीं है कि हाँ ये इस बच्चे को एकदम परफेक्ट बैठेगा उसके चॉइस के हिसाब से, तब तक मैं खरीदता नहीं है। प्लान में छोटा सा चेंज किया मैंने कि इन खिलौनों को रैप नहीं करूंगा, मैं इनको ऐसे ही निकाल के दूंगा वो झोले में से, क्योंकि जब वो देखेंगे तो वो एक्साइटमेंट से मतलब कूद उठेंगे। अगर मैं रैप करके दूंगा तो वो लोग क्या रैपर निकालेंगे यार, तो इससे अच्छा मैं उन्हें ऐसे निकाल के दूंगा और वो जो ताज़ा रिएक्शन होगा वो देखने में असली मज़ा है यार, वो देखने में ही असली मज़ा है। और हम एक चीज़ मुझे आज रियलाइज़ हो रही है कि हम हमेशा अपनी लाइफ को मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम या कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये नहीं है वो नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए था लाइफ में, मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा चाहिए था ये वो फलाना डिमका। लेकिन यार लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी मज़ेदार है, मतलब दिस इज़ द लाइफ ऑल अबाउट। बच्चे, उनकी हैप्पीनेस, अपनी ज़िंदगी जीना, काम, घर, अपना ड्रीम, वाइफ, मॉम, डैड, दिस इज़ द रियल लाइफ, दिस इज़ द रियल फन। हम पास्ट के गिल्ट में और फ्यूचर के डर में प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। तो यार बस इतना ही ज्ञान था जो मुझे लगा बोलना चाहिए कैमरे के सामने। एक चीज़ तो हम लेना भूल ही गए थे, ये कैब। तो ये कैब खरीद ली गई है चारों बच्चों के लिए, चार कैब, और हमारी सरकार रागनी जी के लिए एक कैब। हमारी मम्मी मौसी तो नहीं है, वो कल जा रहे हैं शिरडी, तो कल मैं, मेरी वाइफ और हमारी सरकार जी और हमारे चार बच्चे होंगे, तो वो चारों के लिए ये कैब और उनके लिए एक। तो बस अभी डायरेक्ट कल मिलते हैं, डायरेक्टली कल। दिस इज नेक्स्ट डे संडे, और प्लान में एक और छोटा सा बदलाव किया है मैंने। सेंटा क्लॉज जो है वो अभी नहीं आएंगे, वो कुछ काम करने के लिए गए कहीं बाहर दूसरे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो ये बच्चू महाराज तो रेडी हो गया है। हमारे तीन भतीजे आज तीनों नीचे है क्योंकि मेरी मम्मी मौसी गई है शिरडी, तो तीनों भाग गए नीचे और तीनों नीचे ही सोए। तो अभी जस्ट उठे तो मैं नीचे उनकी टोपी लेके जा रहा हूँ, उनको दूंगा, उनको पहनाऊंगा, उनको रेडी करूंगा और फिर सेंटा क्लॉज को कॉल करके बुलाऊंगा, ठीक है? सेंटा क्लॉज आएगा तो डरने का नहीं, गिफ्ट लेने का उससे। हाँ, नहीं तो बच्चे लोग डर जाएंगे बेचारा, सेंटा क्लॉज आएगा तो वो बेचारा आएगा, लोग को गिफ्ट देने वाले लोग डर जाएंगे। चलो नीचे दीदी लोग के पास। ये देखो सेंटा क्लॉज ने आप लोग के लिए टोपी भेजी है, सब पहनो फिर मैं सेंटा क्लॉज को बुला के लाता हूँ। मैं थोड़ा जाके कुछ चॉकलेट्स भी लेके आया बच्चों लोगों के लिए, और अब जाके ऊपर तैयार होना है। सारे बच्चों को मैंने नीचे रोक दिया और मैंने उन्हें कहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं सेंटा क्लॉज को भेज रहा हूँ, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं ही सेंटा क्लॉज बनने वाला हूँ। अभी देखते हैं कैसा हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ कि लोग मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, या डर के मेरे से चॉकलेट ही नहीं लेंगे, गिफ्ट ही नहीं लेंगे। बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं गिफ्ट को देखकर, तो बच्चे की चीज़ है। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट आई एम डूइंग दिस, सीरियसली दिस इज समथिंग रियली क्रेजी फॉर मी एज वेल। मेरे बच्चे मुझे आवाज़ दे रहे, कौन है नीचे? मैं तुम्हारा चाचू या डैडी नहीं, मैं हूँ सांता क्लॉज, सांता क्लॉज, सांता क्लॉज। मैं हूँ सांता क्लॉज। मैं हूँ सांता क्लॉज। रागनी जी, हम आपके लिए भी टोपी लेके आए हैं। पहनिए। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज आ गया है, नाचो बच्चे। हे। तो ये शीतू महाराज के लिए, ये लो शीतल, ये लो शीतू महाराज आपके लिए, ये लो खुशी आपके लिए, नहीं ये खुशी के लिए, ये लो ये चॉकलेट लो। हाँ दे रहा हूँ, ये लो चॉकलेट लो, ये लो आप भी लो, ये लो रागनी जी आप भी लो चॉकलेट, सबके लिए है, ये लो, और ये फिर से खुशी के लिए, लो खुशी, और ये फिर से कृष्णा के लिए, और अंजलि के लिए अभी उसका गिफ्ट जो उन्होंने मांगा था, सांता क्लॉज ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। आपने बोला था ना सांता क्लॉज को कि मुझे बारबी डॉल चाहिए। अभी ये लो सब चॉकलेट लो बच्चे लोग, ये लो शीतू महाराज आप, ये लो अभी कृष्णा आप लो, ये लो खुशी पकड़ो, हाँ ये एक आप और लो, ठीक है ये लो, रुको अभी सब हो गया ना सबको, अभी दूसरे बच्चे लोग को भी देंगे। तो सब बच्चों को उनके गिफ्ट बांट दिए गए है, रागनी जी को भी उनका चॉकलेट दे दिया गया है, और ये भाभी जी को भी उनका चॉकलेट दे दिया गया है, ये बच्चों को और ये सब बच्चों को, ये लो बच्चे लोग,
आप भी लो, और ये लो जाओ दबकी दूसरी दीदी को भी दो। घर में से हालत खराब हो गई है मेरी। तो बच्चों, सेंटा क्लॉज तुम्हारा चाचू ही था। तो यही था ये व्लॉग दोस्तों। मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई, एकदम आड़ा तेड़ा शूट हो गया। अब मुझे मालूम नहीं कैसा शूट हुआ कैसा नहीं, जैसा मैंने प्लानिंग किया था वैसा तो शूट नहीं हुआ, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सगळ्यांना आहे ते, सब मिलके खेलेंगे। खिलौना अलग अलग है लेकिन खेलेंगे सब लोग, सगळ्यांना जायची। तो बस यही ये व्लॉग समाप्त करते दोस्तों। आप सभी को दोबारा एक बार हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। बोला मैरी क्रिसमस, बोला मैरी क्रिसमस, रागनी बोल मैरी क्रिसमस, बोला बोला भाभी मैरी क्रिसमस, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, हम ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे रॉ व्लॉग्स बनाते रहते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, एक बार और, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, बाय बाय।